जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो इस कहानी को याद कर लेना। ये कहानी है एक सर की। एक बार एक सर क्लास में आए और सारे बच्चों के हाथ में एक कोरा वाइट कलर का पेपर दे दिया। जब बच्चों ने उस पेपर की तरफ देखा तो उस पेपर के बीच में एक छोटा सा काला दायरा बनाया हुआ था। उस पेपर के सेंटर में एक ब्लैक छोटा सा सर्कल बना हुआ था। जब सर ने पूछा कि बच्चों आपको इस पेपर में क्या दिख रहा है, तो सारे बच्चों ने कहा कि सर पेपर के बीच में एक काला सर्कल बना हुआ है। सर ने फिर से पूछा कि बच्चों आपको इस पेपर में क्या दिख रहा है। बच्चों ने फिर वही कहा कि पेपर के बीच में एक काला सर्कल बना हुआ है। सर ने फिर पूछा, बच्चों ने फिर वही जवाब दिया करीबन 10 से 12 बार। 10 से 12 बार सर ने बच्चों को पूछा कि तुम्हें उस पेपर में क्या दिखाई दे रहा है। बच्चों ने हर बार वही जवाब दिया कि सर हमें पेपर में छोटा सा काला सर्कल बना हुआ दे रहा है। फिर सर ने बोला कि बच्चों मैंने तुम्हें कितनी बार पूछा कि तुम्हें उस पेपर में क्या दिखाई दे रहा है, तुमने हर बार उस छोटे से सर्कल के बारे में बताया। या तुम्हें उस छोटे से सर्कल के बाहर इतना बड़ा सफ़ेद कलर का पेज नहीं दिखा। हम भी तो यही करते हैं ना यार, ऊपर वाले ने इतनी अच्छी इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है, उसमें ज़रा सी प्रॉब्लम क्या आ जाती है उसे ही लेकर के बैठ जाते हैं। ज़रा उस प्रॉब्लम के बाहर निकल करके देखो, बहुत बड़ी ज़िंदगी है। मैं आपसे फिर से कहता हूँ कि ज़िंदगी में भी कोई प्रॉब्लम आए, उस प्रॉब्लम के बाहर निकल करके जो जितना आप प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे वो प्रॉब्लम उतनी ही बढ़ेगी। और मेरी ये बात हमेशा याद रखना, जिस इंसान ने प्रॉब्लम के वक्त मुस्कुरा दिया उसकी प्रॉब्लम आधी वैसे ही सॉल्व हो जाती है। मुस्कुराते रहो, प्रॉब्लम का क्या है, प्रॉब्लम तो ज़िंदगी में आती जाती रहती हैं। अगर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।